गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल केडी दावत व्लॉग्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय हैदराबाद हाउस टूर। सो गाइस देखिए बच्चों को दोनों खेल रहे हैं। सो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्चुअली ये घर है ना, पहले हम लोग इधर रहते थे। जब इनके पापा का स्कूल का बिजनेस था तो मैं शादी करके यहाँ पे 5 ईयर्स तक रही हूँ। तो ये घर सिर्फ मतलब जो भी आएंगे हमारे सास ससुर देवर लोग जो भी आएंगे तो रहने के लिए ये घर रखे, मतलब ना ये रेंट पे देते हैं ना ही इसको, मतलब बस कोई भी आके यहाँ पे ठहर सकता है ऐसे। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सामान आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ये भगवान का पूरा घर है। तो यहाँ पे कहीं पर जाओगे तो ऐसा वाला आपको डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा घर के अंदर। और ये कबाड़ है, ये बहुत पुराना कबाड़ है। तो यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं है, बस बहुत साल पुराने से है। और थोड़े से सामान है, जितना मतलब ज़रूरत होगा उतना ही सामान रखे हुए थे। मतलब यहाँ पे हम लोग जैसे मंदिर जाएंगे तिरुपति या फिर नरसिम्हा स्वामी, हम लोग का देवस्थल यही पे है ना, तो यहाँ पे आके फिर कहाँ पे रुकेंगे दूसरे के घर में। इसलिए ये वाला रूम रखे, जब भी कोई मतलब जाना हो तो यहाँ पे ठहर सकते हैं। इसलिए हम लोग के जितना जितनी ज़रूरत है, जितना नीड है उतना ही सामान रखें। और ये छोटा सा फ्रिज है, ये देखिए कुछ ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। जैसे होटल में रहेंगे तो बहुत महंगा महंगा चार्जेस लेते हैं, तो होटल से अच्छा एक रूम रखे। जैसे कभी भी मेरे सास ससुर जी आएंगे तो उनको रहने के लिए थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए 10-15 दिन आके रुक के चले जाते हैं। सो ये हॉल है, आपको मैं दूर से दिखाती हूँ। तो देखिए ये एकदम देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या डिज़ाइन है। सो देखिए ये और टीवी है, ये बहुत पुरानी टीवी है। और एक ड्रेसिंग टेबल है और ये मेन गेट है। तो यहाँ पे बेसिक नीड्स है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे हम लोग ने रखा नहीं है, मतलब कभी कभी आना रहता है तो। और ये सोफ़ा सेट है, बहुत पुराना सोफ़ा सेट है, बहुत सालों का, उनके पापा खेल रहे हैं। ये देखें ये सोफ़ा का एरिया है और ये टीवी सेक्शन है। और ये देखिए ये वाला मंदिर का पूरा मतलब पूरा लंबा से एक हॉल है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिटिंग एरिया है। और ये वाला झूला है ना कियांश, हम लोग जब मतलब यहाँ पे थे तब कियांश छोटा था तो उसके लिए लेके आए थे। देखिए बहुत साल मतलब 5 साल का पुराना है अभी। उसमें दिव्यांश को बिठाए तो कियांश की याद आ रही थी। सेम यहीं पे यही जगह पे दिव्यांश भी मतलब कियांश खेलता रहता था। तो देखिए दिव्यांश, ए दिव्यांश, अरे अरे कल ट्रेन में तो इसकी स्माइल नहीं दिख रही थी, एकदम नाराज था। लेकिन अभी अभी थोड़ा घर पे आने के बाद सेट हो गया, थोड़ा हंस रहा है। अदरवाइज कल तो उसका देखने लायक ही था चेहरा। सो गाइस यही है। और हाँ ये और एक बेडरूम है, ये वाला बेडरूम देखिए, ये बहुत पुराना बेड है। और यहाँ पे पूरे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे क्योंकि यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। कभी कभी आएंगे तो फिर इसको क्या इतना मतलब करना है। और एक बेडरूम है ये वाला देखिए, ये भी बेड बहुत पुराना है और हम लोग जस्ट अभी सो के उठे थे तो वैसे ही ये पूरा बेड। और ये रूम में एसी है, मेरे हस्बैंड लेके आए थे इसलिए थोड़ा यहाँ पे रुक सकते हैं, ठंडा मतलब लगेगा। देखिए अभी भी मुझे बहुत गर्मी हो रही है। सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी, ठंडी लग रही थी, अभी सडनली फिर से गर्मी स्टार्ट हो गया। और पूरे वो जो थैली में है ना यूनिफॉर्म से मेरे मतलब हस्बैंड के स्कूल के टाइम के यूनिफॉर्म से, तो अभी स्कूल तो निकाल दिए तो क्योंकि हम लोग तो मुंबई में शिफ्ट हुए, उधर एक उन्होंने बिज़नेस ओपन किया है। तो कौन सा बिज़नेस मतलब उन्होंने ओपन किया है वो वीडियो भी जल्दी आएगी, नेक्स्ट वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो स्कूल है बंद किए, क्यों बंद किए वो भी रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये यूनिफॉर्म स्टॉक में है, अगर कोई लेंगे तो मैं हम लोग उनको मतलब कम रेट में देंगे इसलिए रखे हुए हैं। तो अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं है। सेम यहाँ पे कियांश पहले मतलब उनके पापा खेलते थे, वही मूवमेंट मतलब याद आ रहा है देखो। और दिव्यांश का ये पहली जर्नी है हैदराबाद, मतलब पहली बार उसने हैदराबाद आया है। इससे पहले तो मैं सूरत से डायरेक्ट मुंबई आई थी मेरे डिलीवरी के बाद, अभी वो आउट ऑफ स्टेट मतलब हैदराबाद फर्स्ट टाइम है। ये
बेचारा कियांशु फाइव मतलब 3-4 साल तक तो वो अकेला इसी रूम में रहा है खेलते खेलते। मतलब हम लोग ने उसको प्ले स्कूल में तो डाला था बट फिर भी अकेला ही था यहाँ पे। देखिए और उसके बहुत सारे टॉयज हैं, मैं उसके टॉयज भी दिखाऊंगी। फिर ये देखिए उसका कार है और ये क्रियांश का क्रेडल है ये वाला, आपको दिख रहा है कि नहीं क्या पता, जो वॉकर बोलते हैं ना कि क्रियांश का फर्स्ट टाइम का वॉकर है और ये उसका कार है। और इसमें बहुत सारे टॉयज है, अभी भी देखो क्रियांश के बचपन का टॉयज है अभी तक तो वैसे संभाल के रखा हुआ है। वहाँ पे टेडी बियर है, देखिए सब क्रियांश का ही है, बचपन का पूरा मेमोरीज यहाँ पे है। ये देखो कैसे खेल रहे हैं। अच्छा बेटा हैदराबाद पसंद है कि मुंबई पसंद है? सूरत। सूरत क्यों पसंद है? क्यों पसंद है बेटा? कियांश यहाँ पे डांस भी करता था, यहाँ पे झूले में बैठ के उसने 1 2 3 ABCD सब बोला है। वो भी वीडियो है, मैं क्लिप में साइड में यहाँ पे डाल दूंगी। वो 15-16 मंथ से ही वो राइम्स बोलने लगा था, 1 2 3 बोल रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। मतलब यहाँ पे कोई नहीं था तो मुझे वही टाइम पास लग रहा था, तो मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया था, वो सीख भी रहा था। बट अभी वो उसको मैं कुछ भी सिखाती हूँ तो उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि अभी बड़ा हो चुका है। मैं साइड में उसके थोड़े क्लिप्स डाल दूंगी, वो ये भी सीढ़ी बोल रहा था, ये कैसे चिल्ला रहा है। అయిపోయిందా షార్ట్ కట్ ఎట్లా? సరే కియాన్స్ వెరీ గుడ్ బాయ్, 1 2 3 లుక్, 1 2 3 ఏ కియాన్ गाइस। मुझे तो हैदराबाद बहुत अच्छा लगता है, मतलब 10-15 दिन के लिए बहुत अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है। बट हम लोग यहाँ पे रह नहीं सकते क्योंकि बच्चों का फ्यूचर तो मुंबई में ही है, मैं उन लोगों को मुंबई में पढ़ाना चाहती हूँ। तो बस यहीं तक ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।